हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज दिन है 8 अप्रैल और आज है बानी के पापा का बर्थडे। तो आज हम सुबह काफ़ी जल्दी उठ गए थे और बानी तो स्कूल जा चुकी है। उसका लंच वंच सुबह बना दिया था और वो जा चुकी है स्कूल। हमारा भी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना लिया है, नहाना धोना भी हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है। हमारी गली में एक मंदिर है, वहाँ जाने का सोच रहे हैं, दर्शन के लिए माथा टेक के आते हैं। और हम पूजा पाठ तो हम नहीं कर सकते, तो ऐसे ही माथा टेक के आ जाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। तो बानी के पापा, आज बर्थडे हुआ फिर। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हो? क्या गिफ्ट दे रहे हो फिर? गिफ्ट तो दे दिया मैंने, अब देते रहूँगा। 150 रुपये दे दो। 150 रुपये चाहिए? 150 रुपये देगा। तो अभी हम गली में हैं और जा रहे हैं मंदिर में। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर और आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। हम लोग आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके और आप सब लोग भी प्रसाद ले लीजिए। तो मंदिर से आके ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है और बानी के पापा ड्यूटी भी जा चुके हैं खा पी के। ये देखिए, मैंने आज बनाई हुई थी बेसन के गट्टे की सब्जी, हम खा चुके हैं और इतना बच चुका है, ये दिन में काम आ जाएगा। और बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है, किचन क्लीन करना है, सारा गंद मचा हुआ है। सुबह तो जल्दबाजी के चक्कर में ना ऐसा हो जाता है, बानी के स्कूल के चक्कर में जल्दबाजी हो जाती है। तो चलिए यार, अब मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। इधर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन के ऊपर ही रखे हुए हैं सारे कपड़े, और कपड़े भी धोने हैं मुझे। तो पहले बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन वगैरह मेरे धुल चुके हैं और गैस वगैरह सब क्लीन कर दिया मैंने, देखे सब कुछ चमका दिया है। और ये पानी के बर्तन ऐसे भर के रख दिए क्योंकि हमारा ये डब्बा आता है ना रोज़, 10 लीटर का डब्बा, ये आरो वाटर हम लेते हैं। भैया आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं, रोज़ हमें लीक वाला डब्बा मिल जाता है। अब वो सुबह जल्दी रख के चले जाता है तो हम लोग सोए होते हैं उस टाइम पे रख देता है किसी दिन, तो फिर लीकेज वाला डब्बा, इसलिए मैंने पानी ऐसे भर के रख लिया है। और कुछ नहीं बचा है इसमें, सब गिर चुका है पानी सुबह से। बस अब कपड़े धोती हूँ। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं, देखिए कितने सारे कपड़े हैं, बच्चों के साथ हो ही जाते हैं। चादर वगैरह मैंने निकाल रखी है, धो रखी है, तो चादर भी नहीं बिछा रखी है, अभी चादर बिछाती हूँ। हाँ जी, हाँ आ गई मम्मा, आवाज लगा रही थी, आ गई, हाँ भूख लग गई, हाँ क्या कह रही हो? मम्मा को आवाज लगा रही थी, मम्मा को आवाज लगा रही थी, हाँ चलो मम्मा आ गई। हाँ
तो मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया है और चादर बिछा दी है, और मैं कल ये बर्थडे स्टिकर वगैरह भी ले आई थी। इस बारे में तो मानी के पापा को कुछ नहीं पता कि मैं बैलून भी लाई हूँ और बर्थडे स्टिकर भी लाई हूँ, तो सोच रही हूँ थोड़ा बहुत दीवार पे डेकोरेट करने का। तो करते हैं डेकोरेशन थोड़ा सा। देखिए मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट तो कर दिया है, और तन्नू भाई ने बहुत मदद करी है इसको डेकोरेट करने में। बान के पापा को ज़्यादा बैलून वैलून पसंद नहीं है, तो बस थोड़ा सा ही कर दिया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना आप लोग। सिंपल सी डेकोरेशन करी है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज चुके हैं, और मैं लंच बनाने के लिए आई हुई हूँ किचन में। सुबह हमने बनाई हुई थी गट्टे की सब्जी, तो दिन के लिए वही रख दी थी। तो गट्टे की सब्जी ले ली है, लस्सी, खीरे और रोटी, ये प्लेट मैंने अपने भाई के लिए लगा दी है। आप सब लोग भी हमारे साथ कर लीजिए लंच, और हम भी खाते हैं। अभी टाइम हो चुका है 4:20 हो रहे हैं, और अभी और दिविशा अपने मामा के साथ सो चुके हैं, और मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और मैं बनाने वाली हूँ आलू टिक्की चाट, क्योंकि बान के पापा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है और उनको मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे पहले भी मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ, तो वैसे मैं हर साल उनके बर्थडे पे बना देती हूँ। पिछले बार भी उनके बर्थडे पे बनाया हुआ था, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए उनकी पसंद का। तो खाने में तो वो सब कुछ खा लेते हैं, मतलब अच्छे से दिल से खा लेते हैं हर कोई चीज़, लेकिन जैसे कोई स्पेशल डिश होती है तो उनकी टिक्की चाट है, तो हर बार मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं हर बार बनाऊँ उनके लिए। तो फिर चलिए मैं बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ आलू टिक्की चाट। तो आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने आलू को अच्छे से उबाल के, आलू छील के आलू ले लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2-4 चम्मच चावल का आटा। और जो चावल का आटा है उससे आपके क्या होंगे ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, जो टिक्की बनेगी वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। और जब हम आलू को मैश करेंगे तो एक अच्छी सी बाउंडिंग भी आएगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी टिक्की टूटेंगी नहीं तलते टाइम बिल्कुल भी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा नमक, थोड़ा काला नमक, हल्दी पाउडर, और ये किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर, और मैं ले रही हूँ इसमें सौंफ। सौंफ जब आती है ना, मतलब टिक्की में खाते टाइम सौंफ आती है तो बहुत अच्छी लगती है, तो सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं थोड़ा सौंफ ले रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालने हैं, बस थोड़ा ही फ्लेवर के लिए डालना है। और मैं यूज़ कर रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा कलर के लिए। इसमें मैं लाल मिर्च का यूज़ या हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो इसके साथ हरे धनिया की चटनी बनाई है उसमें मैंने काफ़ी मिर्च डाल रखी है, तो उससे बैलेंस हो जाएगा टेस्ट। बस इतने ही मसाले मैं इसमें मिलाऊंगी, और अब मैं इसको अच्छे से अपने हाथों से मैश कर लूंगी और इसकी एक पिट्ठी सी बना लूंगी। मैंने एक प्लेट ले लिया यहाँ पे टिक्की रखने के लिए, और मैं बना रही हूँ टिक्की। तो आप टिक्की का साइज छोटा है बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप देखिए मैंने इतनी इस आकार की इतनी छोटी टिक्की मैं बना रही हूँ। देखिए टिक्की को मैंने 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, और मैं इनको ले आई हूँ। अब मैं इनको तलूँगी, और उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल चढ़ा दिया उसमें, तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है।
थोड़ा दही है जो मैं अभी फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के लाई हूँ, काफी ज्यादा ठंडी है, तो मैं इसमें चीनी डाल के इसको फेंट लेती हूँ। ऑयल हो चुका है काफी अच्छे से गर्म और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू की टिक्की। तो मैंने यहाँ पे टिक्की डाल दिया और आप देख सकते हैं मैंने गैस बिल्कुल सिम पे करी हुई है, क्योंकि गैस हम तेज कर देंगे तो ये बाहर से पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे टिक्की अच्छे से पक चुकी है और फूल के काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है और एकदम क्रिस्पी बनी हुई है, ये अंदर तक पक चुकी है। तो ऐसे ही मैं सारी टिक्कियों को तल लूँगी। टिक्की मेरी बन चुकी है और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी ये बनी हुई है। बानी के पापा ड्यूटी से आ गए हैं और मैं उनके लिए प्लेट लगा रही हूँ और इधर पक रहे हैं, और गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है ना, तो मैं डाली इसमें थोड़ा दही। और ये देखिए हरी चटनी, और इमली की चटनी तो मैं नहीं बना पाई, सामान ही नहीं था, तो जो चीज़ घर में थी वही मैंने बना दिया। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा केचप, ये इमली की चटनी का काम करेगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ ये नमकीन थोड़ा गार्निशिंग के लिए, आलू भुजिया वाली नमकीन ली है मैंने ये। और अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला, ये देखिए मैंने इधर रखे हुए हैं, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा, इससे अच्छा आता है। और ये है, और ये मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, और ये भुना हुआ जीरा। देखिए मैंने यहाँ पे मसाले लिए हुए हैं, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, काली मिर्च, काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर, इससे मैं इसको गार्निश कर दिया मैंने। ऊपर से थोड़ा सा दही और डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा ये और डाल रही हूँ। बस अब टेस्ट कराते हैं बान के पापा को। खाते जाओगे बताओ ना कैसा हो रहा है। बहुत मस्त हो रहे हैं, मजा आ गया। वैसे हो रहे जैसा तुम्हें पसंद है, वैसे हो रहे हर साल के जैसे। और साल से भी अच्छे हो रहे हैं, मजा आ गया, मस्त है एकदम। लो अभी खाओ, अभी खाते हो आप खाओ। बानी और दिविशा भी सोए हुए हैं और ऐसे डेकोरेशन करी थी, सोचा था सरप्राइज देंगे, अब ये पहले आ गए। ये वाला सरप्राइज भी भंडाफोड़ हो गया, ये चुपचाप आके यहाँ बैठे हुए हैं और मैं उधर बनाने में लगी पड़ी हूँ। मुझे पता ही था, हमेशा ही बनाते हो। थैंक यू। तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा सा मंदिर और हमारी पूजा पाठ हो चुकी है और बस अब ये लोग आ चुके हैं, केक लेने गए हुए थे, केक लेके आ गए हैं और केक कटिंग करते हैं। तो यहां बैठ, यहां बैठ। तेरा बट्टी भी आएगा, तू काटेगी आज, हम शाम में काटेंगे। यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यहाँ पे, आज हमने कहा चलो स्टार्ट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, Papa. Happy birthday to you. Kya hai? Oh, my God.
मुझे खिलाओ पापा को ये। थैंक यू मामा। बर्थडे केक वगैरह कट करके हम लोग चले गए हैं बाहर डिनर करने के लिए, और हम आए हुए हैं मद्रासी डोसा जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है सोनीपत में, और वैसे भी हमें मैदे की रोटी वोटी से ज़्यादा पसंद है डोसा, तो डोसा खाते हैं। तो डोसा हमारा आ गया है और आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। डिनर वगैरह करके हम लोग आ गए हैं रूम पे, और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा हमारा, और बानकी अप्पा का बर्थडे था आज। आपको कुछ बोलना है? जी बिल्कुल बोलना है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज मेरा बर्थडे था तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और आप लोग प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग दीजिए हमें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। Bye bye everyone. Good night.